लेकिन मैंने कहा एक आपके लिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे ये इसकी जो पूरी रोलिंग होगी, सो प्लीज बताइए। अच्छा, ये ब्रेड स्लाइस ये करवानी पड़ती है, मैं तो खैर खुद से बेक करती हूँ। ओके, ठीक है, अगर आप मार्केट से करवाएं तो या बेकर्स को कहेंगे तो वो आपको किस तरह से कर देते हैं? नॉर्मली बेकरी वाले, बेकरी वाले उनको आप एक दिन पहले ऑर्डर दें कि लेंथ वाइज आप हमें ब्रेड काट दें। मैंने तो अपनी खुद बनाई है। ओके, ठीक है। अब ये आपने इसके सारे कॉर्नर्स काट लिए, ठीक है, फिर उसी तरह जैसे हमने उसको किया था इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इसको आप पतला सा, अच्छा, हाथ का प्रेशर देके ओके इसको आपने बेला। ओके, इसकी भी प्रैक्टिस है क्योंकि रोटी पकाते नहीं अब हम घर पे, तो इसलिए, लेकिन ये जो है ना हाथों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है इससे। ठीक है, ये हमने बेल दिया। ओके, अब इसका जो मैंने आपको कहा था मेन इंग्रेडिएंट, ये बटर है। बटर, ठीक है, बटर, नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट। बटर, नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। इसको हमने इस पे इस तरह से स्प्रेड कर दिया। राइट, ये तो बेसिक है, ये आपको हर सैंडविच में लगाना है। अच्छा, ये इसका बेस है, ये हर सैंडविच में लगेगा। बाकी ये सारे सॉसेस की जो चटनियां हैं हम ये यहाँ पर इन्होंने रेडी की हुई है। ग्रीन वाली चटनी है, ये इमली की है, ये बाकी चिली सॉस है, और ये वाला, ये मुझे ये बहुत मज़ेदार है, मैंने इसको ट्राई किया था, शहद, मेयोनीज एंड मस्टर्ड, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके ये चटनी बनी है। इट्स रियली यम। ये आप बर्गर, सैंडविचेस ये बना के रखे हैं, आप बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा, इसके ऊपर अब ये मैं अंडे वाला कर रही हूँ, ये जो येलो है, ठीक है, ठीक है, ये जो ग्रीन है ये वो ग्रीन चटनी लगी हुई है, ठीक है, ये केचप है और ये चिकन वाला जो, राइट, अच्छा, ये इस पर इन्होंने यही सेम बेस लगा के और उसके ऊपर इन्होंने ये केचप लगा दिया था। सो ये आप देखें इस तरह के रोल बन गए हैं। ये आपने अंडा, ये अंडा बॉयल, इसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया, ओके, और नमक और काली मिर्च है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें भी मस्टर्ड मिलाया, ठीक है। अच्छा, इसमें आप चाहें जो अभी थोड़ी देर पहले चिकन स्प्रेड जो बनाया था जिसकी पॉकेट्स में ऐड किया था, अगर वो भी आपके पास तो आप वो भी इस पे ऐड, कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल है, आप सिंपल से जो है आप इसको रोल करेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग, अब ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। एंड ये सारी चीज़ें आप सिंपल घर में बना सकते हैं, एक तो आपको इकोनॉमिकल पड़ती हैं, फिर बच्चे बहुत खुश होते हैं, मेहमान खुश होते हैं कि मेहनत की गई है। अब तो मेहमान घर पे आए तो हम सब कुछ, ये क्या कर रही हैं? ये हमने गीला कपड़ा लिया, अच्छा, मैंने कहा लंच रोल किया, नहीं, ये हमने टूथपिक लगाया, ओके, गीला कपड़ा में इसको रोल करके अब हम इसको तकरीबन एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, फिर जब हम फ्रिज से निकाल के इसको काटेंगे तो इसकी कटिंग बहुत अच्छी होगी, कटने को तो ये अभी भी कट जाएगा लेकिन ये टूट जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। ओके, इसको तो रोल बना के और फिर आपने गीले कपड़े में फ्रिज में रख, फ्रिज में रख दें और फिर एक घंटे बाद इसको निकाल के और ये आप इसको, अच्छा, आप इसे खोलें जरा प्लीज, ताकि आप ये बता सकें कि जब आप एक घंटे बाद निकालेंगे सो देन इसको थोड़े एक एक दो दो इंच के स्लाइस मैं काट लेती हूँ, हाँ, एक नहीं स्लाइस काट दीजिए ताकि आइडिया हो जाए सबको। हाँ, बाकी लेकिन आपने फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखना है। ये आप देखें, ये तो हमने साइड पहली तो हमने निकाल दी। ओके, ये बच्चे खा लेते हैं। ओके, ठीक है, अब ये इसको, राइट, अच्छा, ये जो ब्रेड नाइफ होती है ना ये भी अलग से आपको ब्रेड नाइफ मिलती है। ये आप देखिए इस तरह से रेडी हो गया है, इट्स लुकिंग गुड, बट आप एक घंटा फ्रिज में रख देंगे तो आपको और अच्छा सा जो है वो कट हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से हम अपनी मेकअप के लिए ब्रशेस लेते हैं ना, इसी तरह से ये भी टूल्स हैं। एक एक ही नाइफ नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ उससे हो गया, ये ब्रेड नाइफ होती है, इससे बहुत अच्छी ब्रेड बनती है। अदरवाइज अगर ये नाइफ नहीं है तो फिर आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें, कटिंग नहीं हो सकेगी, मज़ा नहीं आ सकेगा, ठीक है। सो अगेन थैंक यू,